आप लोगों के बीच में इतिहास, देवी गुणवंती का इतिहास आप लोगों के बीच में सजनों। एक भोपाल नगर के अंदर राजा विजय सिंह राज किया करता था और जिसकी महानता की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी सजनों, लेकिन किसी कारणवश वो विजय सिंह राजा एक हत्यारा राजा बन जाता है। तो आदरणीय सजनों, वही सारांश मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि वो विजय सिंह राजा जिसकी महानता की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और किसी कारणवश एक हत्यारा राजा बन गया, और हत्यारा राजा कैसा कि नई नई लड़कियों का डोला लाने लगा और उनको 10 दिन तक रानी बना करके रखता था और उसकी 11वें दिन हत्या कर दिया करता था। ये सारांश मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, सुनिएगा बोला। कि आज बड़ी उम्मीद सभा जुर बैठी भारी, तरह तरह के फूल खिले रहे दीख अगारी, अजी शोभा कहीं न जाए, शोभा कहीं न जाए, और दूर दूर ते भी घने आए तकलीफ उठाए, इनकी रुचि तो हो जभी, इनकी रुचि तो हो जभी, कई गीत ते है जा खुशी, ना तो दुखाए कहेंगे भाई दोस भर कूटी खुशी। आदरणीय सजनों, हर इंसान का, कोई कलाकार हो या कोई वैसा हो जो स्टेज पर चढ़ जाता है, उसका ये फर्ज बनता है, वो अपने काम को बेहतरीन करना चाहता है, लेकिन ये सब ईश्वर के अधीन होता है सज्जनों, ये कोई इंसान के हाथ की बात नहीं होती है। तो आइए क्या सुनते हैं उसी गुणवंती का इतिहास। ए प्यारे सो मेरे गुरु गणेश शीश पंचन के नाऊ, प्यारे सो मेरे गणेश शीश पंचन के नाऊ, सरस्वती जब ही निर्मल मत पाऊं, प्यारे आओ मां सरस्वती जब ही निर्मल मल पाऊं, अरे रसना पे करवा ओ प्रेम सहित भोपाल नगर को, कहूं छोटो सो इतिहास। आदरणीय सजनों, ये भोपाल नगर का किस्सा आप लोगों के बीच में। एक भूप था भोपाल का, आदरणीय सजनों सुनने लायक किस्सा है, अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपकी समझ में आएगा, और अपने दिमाग को इधर उधर रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक भूप था भोपाल का नर विजय सिंह के नाम से, प्यारी प्रजा की पालना वो कर रहा राम से, उस विजय सिंह के पास में पंडित बड़ा विद्वान जी, अनुभव कहीं से आ गया, सुनिए सभी श्री मान जी। आदरणीय सज्जनों, उसी भोपाल नगर के अंदर एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, और विद्वान ब्राह्मण ऐसा कि हर मनुष्य के अगले और पिछले जन्मों की बातों को बता दिया करता था। सज्जनों, जब विजय सिंह राजा को इस बात के बारे में पता चलता है तो विजय सिंह राजा उस ब्राह्मण को अपने पास में राजधानी में जहां वो राज करता था वहां पर बुला लेता, और क्या बताया, ए पंडित जी ते श्री मानो जब भूप कहे सिर नायके, पंडित जी से श्री मानो जब भूप कहे सिर नायके, ए आगे पीछे की जानो तो हमें कहो समझाए के, ए आगे पीछे की जानो तो हमें कहो सिर नायके, ए जब बोलो वेदाचारी कर गौर तनक मोमाओ, जब बोलो वेदाचारी कर गौर तनक मोमाओ, ए सुन लीजो छत्तर धारी तेरो पिछलो जन्म सुनाओ, ए सुन लीजो छत्तर धारी तेरो पिछलो जन्म सुनाओ,
राजा हो बड़ो वीर धुरंधर ज्ञानी। ए तू पहले भी राजा हो बड़ो वीर धुरंधर ज्ञानी। ए छल वेद्या में आ जाओ तेरे बुरे चलन की रानी। ए छल वेद्या में आ जाओ तेरे बुरे चलन की रानी। ए एक दिन समैया पाए के रानी ने जोहर कियो। एक बार समैया पाए के रानी ने जोहर कियो। ए त्वे यार ओ त्वे यार संग में लाए के तू महल में मरवा दियो। ए तो यार महल में लाए के तू महल में मरवा दियो। अरे सुन के इतनी बात बैठ गई राजा के होए बोरी रे स्त्री की जात। मेरे आदरणीय सजनों, वो जब ब्राह्मण बुलाया गया, विजय सिंह राजा ने ब्राह्मण को अपने पास में बुलाया और वो ब्राह्मण विजय सिंह राजा से उसके पिछले जन्म की बातों को बताने लग जाता है कि महाराज इस जन्म में तो आप राज कर ही रहे हैं लेकिन पिछले जन्म में भी आप राजा ही थे। अब तो आदरणीय सजनों विजय सिंह के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मेरे प्रेमियों उस ब्राह्मण ने बात को और आगे बढ़ा दिया और कहने लग जाता है, ब्राह्मण महाराज पिछले जन्म में आप राजा तो थे लेकिन एक भोले राजा थे और आपकी जो रानी थी वो अपने चाल चलन से खराब थी, उसका चाल चलन उसका चरित्र खराब था। और महाराज एक दिन तो उस रानी ने ऐसा किया कि आप राजमहलों के पास में आनंद के साथ में कुर्सी पर सोफा पर बैठे हुए थे और उस रानी ने अपने दो यारों को दो मित्रों को बुलाया और आपकी राजमहल के अंदर हत्या करवा दी। आदरणीय सज्जनों इस बात को जब विजय सिंह राजा ने सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन इस जन्म की जो रानी थी वो सारी बातों को सुन रही थी मेरे प्रेमियों, लेकिन क्रोध के आवेश में आकर के विजय सिंह राजा क्या करता है, क्या कह रहा भैया, सो जीवाई देना अपनी रानी को धरते सिर न्यारो कर दियो। ए रानी बेखता बेचारी रे रानी बेखता बेचारी। ए रानी बेखता बेचारी रे रानी बेखता बेचारी। ए रानी बेखता बेचारी रे रानी बेखता बेचारी। मेरे प्रेमी सजनों कवि महोदय ने लिखा है कि रानी बेखता बेचारी, रानी का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, जो इस जन्म की रानी थी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन विजय सिंह राजा क्रोध के आवेश में आकर के और अपनी इस जन्म की रानी का धड़ से सिर को अलग कर देता है। आदरणीय सज्जनों अब विजय सिंह राजा को औरत जाति से इतनी घृणा हो गई कि क्या कि वो नई नई लड़कियों का डोला नाल लाने लगा और उनको 10 दिन तक रानी बना करके रखता था और 11वें दिन उनकी हत्या कर दिया करता था, क्योंकि राजा था उसको रोकने वाला कौन था। सुनिएगा भला क्या बात है भाई। ए घृणा हो गई स्त्री ते ए हाँ घेरे नारे पे सोमवार
दई खत्म कई रानी सहेली आपस में बदरारी रे नई नवेली पांच सहेली आपस में बदरारी रे ए ए ए आपस में बदरारी रे भैया आपस में बदरारी रे बिना खता इस विजय सिंह ने कई रानी हन डारी रे कई रानी हन डारी रे भैया कई रानी हन डारी रे बिना खता के विजय सिंह ने कई रानी हन डारी रे उनमें एक मलूक ओ उनमें एक मलूक गजब को टू सुनार की छोरी मेरे प्यारे सुनार की छोरी जाको नाम छबीली अकेले की धोरी। आदरणीय सजनों जो मैं कुछ कह रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रहा है। आदरणीय सजनों पांच सखी सहेली थी आपस में चर्चा कर रही थी भोपाल नगर के अंदर ही। और क्या चर्चा कर रही थी पांचों सखी की बहन देखिए विजय सिंह राजा कितना महान राजा था जिसकी महानता की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन बहन देखिए वही एक राजा एक हत्यारा राजा बन गया। आपस में सहेली चर्चा कर रही थी लेकिन आदरणीय सजनों उन पांचों सहेलियों में एक लड़की थी सुनार की जिसका नाम गुणवंती था सजनों। और सुनार की लड़की क्या कहती है कि बहन आप बेकार की बातें कर रही हो। मैं दावे के साथ मैं कहती हूँ ये विजय सिंह राजा नई नई लड़कियों का डोला तो लाता है लेकिन गवल लड़कियों का डोला लाता है सीधी सादी लड़कियों का डोला लाता है। अगर मेरी शादी इसके साथ में हो जाए तो मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि ये इस हत्या को छोड़ सकता है। आदरणीय सज्जनों सुनिएगा भला सखी आपस में बतरारी सखी आपस में बतरारी सखी आपस में बतरारी सखी आपस में बतरारी भूपने कई रानी हमारी भूपने कई रानी हमारी भूपने कई रानी हमारी भूपने कई रानी हमारी जवाब गुणवंती ने दियो 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 मेरे प्रेमी सजनों वो गुणवंती अपने सखियों से कहने लग जाती है कि बहन आप बेकार की बातें कर रही हो। मैं दावे के साथ मैं कहती हूँ अगर मेरी शादी इस विजय सिंह राजा के साथ में हो जाए तो ये इस हत्या को छोड़ सकता है। आदरणीय सजनों जिस वक्त वो सखी आपस में वार्तालाप कर रही थी तो उसी महल के पास से गुजर करके वो विजय सिंह राजा जा रहा था। उसने सारा जो बात थी वो सारा सारांश सुन लिया। तो सुनिएगा भला क्या बताया उस महल के ही पास होकर उस महल के ही पास होकर जा रहा भोपाल जी। भोपाल ने अच्छी तरह भाई सुन लिया सब हाल जी। फिर दूसरे दिन भूप ने एक भेज चौकीदार जी लड़की सहित दरबार में बुलवा ही लिया सुनार जी। अब वो विजय सिंह राजा उस लड़की को और उसके पिता को राजमहल के दरमियान ही बुला लेता है क्योंकि उसको तो अपने ऊपर गर्व था ना। क्या बताया क्या बता दिया भैया राजा कह रहे हो सुनार बात
गुणवंती खुशी महान हुई हा करके, गुणवंती खुशी महान हुई हा करके, ए आगे के सासरी मान सुनो चित धर के, ए आगे के सासरी मान सुनो चित धर के, अरे सज के चली बरात मृग ने निये प्याने के, सज के चली बरात मृग ने निये प्याने के, तारे चोर भात घो पूरो खाने के, तारे चूर मा भात घो पूरो खाने के, ए बेटी तई समझाने के रे। आदरणीय सजनो, आखिरकार विजय सिंह के साथ में उस सुनार की लड़की गुणवंती की शादी हो जाती है, लेकिन वही दास्तान आगे बढ़ता है। किस प्रकार से क्या बताता है कवि? अब बता रहा भैया। अरे बड़ी खुशी के संग में ए तई भामरी लार, बड़ी खुशी के संग में तई भामरी लार, बड़ी खुशी के संग में तई भामरी लार, विजय सिंह हाँ विजय सिंह ब्याह के चलो आयो अपने द्वार, प्रेम ते दसो दिना मेरे प्यारे, प्रेम ते दसो दिना राधे राधे, प्रेम ते दसो दिना रे। ओ भैया मृग ने नी के संग में लई ऐसो इसक के रंग में रे। मेरे प्रेमी सजनों, आखिरकार गुणवंती को ब्याह करके विजय सिंह राजा अपने राज महलों के अंदर ले आता है। 10 दिन तो उसने गुणवंती को रानी बना करके रखा, जो पुरुष और स्त्री के जो संबंध होते हैं वो बना करके रखे। लेकिन जब 11वां दिन आया तो विजय सिंह राजा गुणवंती से क्या कहता है? क्या कह रहा भैया? 11 दिन कह रो मरने के, वैजा प्यार सुनारी, अरे वैजा प्यार सुनारी, रानी बेखता बेचारी, अरे वैजा प्यार सुनारी, रानी बेखता बेचारी। हाँ आदरणीय सज्जनों, दूसरी कड़ी आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ। जब विजय सिंह राजा गुणवंती से कहने लगा कि रानी तेरे को तो इस बात का तो पता है, मेरी तो प्रसिद्धि फैली हुई है, मैं तो किसी भी लड़की को भी आकर के लाऊं, किसी भी लड़की का डोला लाऊं, मैं तो 10 दिन रानी बना करके रखता हूँ, 11वें दिन उनकी हत्या करता हूँ। आदरणीय सज्जनों, लेकिन वो गुणवंती अपने महाराज से उस पति देव से कहने लग जाती है। किस प्रकार से क्या बोलिए बोला? क्या बोलिए भैया? ए जवाब दियो जब गुणवंती ने, ए हाँ। तो आदरणीय सज्जनों, वो गुणवंती अपने पति देव से क्या कहने लगी सुनार की लड़की? क्या कह रही है भैया? अरे गुणवंती करी जोरी के रे, कहने लगी सजनों? ओ मेरे मारे ते प्यारे, ए रे कोई बानो रे नहीं रे बालवान, बलवान कोई बानो रे नहीं रे बालवान, बलवान कोई बानो रे नहीं रे बालवान। आदरणीय सजनों, वो गुणवंती कहने लग जाती है पतिदेव से कि महाराज ये तो मैंने आपकी चर्चा पहले ही सुन रखी थी कि आप 10 दिन तक लड़कियों को रानी बना करके रखते हो और 11वें दिन उनकी हत्या करते हो, लेकिन महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरा बस तो आपके पास साथ में चलेगा नहीं, आप मारोगे तो मेरे को जरूर, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अपील है, वो क्या कि महाराज कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपकी शोहरत संसार में फैल जाए, इस हत्या से आपकी कोई शोहरत नहीं फैलेगी। और क्या बताया भला? क्या बताया भैया? ए नगराजा, ओ नगराजा की सुकुमारी, नगराजा की सुकुमारी, ए नगराजा
पति देव से कहने लग जाती है कि महाराज अगर आपको ऐसे ही हत्या करनी है तो महाराज मेरी सुनने में आता है नग राजा की लड़की है विद्योत्मा और उसके ये प्रचार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है कि महाराज आप नगराजा की लड़की विद्योत्मा को अगर ब्याह करके लाएं और उसको 10 दिन तक रानी बना करके रखें और 11वें दिन उसकी हत्या करके दिखाएं तो मेरे को ये अपने ऊपर विश्वास हो जाता है आपके ऊपर भी कि और मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूं कि वाकई में मेरा बलवान पति है। तो क्या बताया भला, क्या बताया भैया। अरे जवाब दियो जब विजय सिंह ने कोरी सुने मोह माऊ रे, जवाब दियो जब विजय सिंह ने कोरी सुने मोह माऊ रे, राजा की सुकुमारी है अब इस ब्याह के लाऊ रे, अब इस ब्याह के लाऊ रे भैया, अब इस ब्याह के लाऊ रे, राजा की सुकुमारी है अब इस ब्याह के लाऊ रे। चल दियो भाई घरी देर ना करी भूप अब मानी, मंजिल पहुंच गयो नगो की राजधानी। आदरणीय सजनों, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि औरत की बोली और बंदूक की गोली टक देसी न लगे। आदरणीय सजनों, जब औरत ने उस गुणवंती ने अपने पति देव से कहा कि महाराज आपको ऐसे ही हत्या करनी है तो नगराजा की लड़की है विद्योत्मा, आप उसको ब्याह करके लाइए और उसको 10 दिन रानी बना करके रखिए और 11 दिन उसकी हत्या करके दिखाइए, तब तो मैं आपको समझती हूँ कुछ हो। लेकिन आदरणीय सजनों, जब घरवाली की इतनी बात सुनी तो मेरे प्रेमी सजनों विजय सिंह घोड़े पर सवार हो करके और कहने लग जाता कि तू बेकार की बातें कर रही है, मैं अभी जाता हूं और विद्योत्मा को भी ब्याह करके लाता हूं, मेरे को कौन रोक सकता है। आदरणीय सजनों, कवि महोदय ने अपनी कलम के द्वारा ऐसा लिखा है कि विजय सिंह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के 6 दिन तक अपने रास्ते में चलता गया है और 6 दिन के बाद में वो नगराजा की राजधानी में पहुंचा है। मेरे प्रेमियों, जब नगराजा की राजधानी में पहुंच गया तो जगह जगह पर उसको स्टाम्प लिखे हुए मिलते हैं, जगह जगह पर पोस्टर लगे मिलते हैं और उन पोस्टरों पर क्या लिखा हुआ था कि नगराजा अपनी लड़की विद्योत्मा की शादी उसी के साथ में करेगा जो विद्योत्मा के चारों सवालों का जवाब दे देगा। आदरणीय सजनों, ये सुनने लायक बात है, सुनिएगा भला और वो किस प्रकार से क्या बताया। द्वार पे लिखो मिलो वाहे, 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 विद्वंती को वो नर ब्याहे, विद्वंती को वो नर ब्याहे, विद्वंती को वो नर ब्याहे, विद्वंती को वो नर ब्याहे। जवाब दे, जवाब दे चार सवालन को, 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 अरे जवाब नहीं तो जे, वो जगह पर स्टाम्प लगे हुए थे कि जो भी राजा मेरी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है उसको मेरी लड़की के चारों सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आदरणीय सजनों, जगह जगह से दूर दूर से राजा उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए करते थे सजनों, लेकिन जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता था तो उनको भाई साहब कारावास में जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन मेरे प्रेमियों,
जब विजय सिंह राजा वहां पर पहुंचता है तो द्वार पर सब कुछ लिखा हुआ था, वो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो अपने अपमान के वश वहां पहुंच जाता और क्या बताया, क्या बताया भैया, जाय के कही भूपाल ने, क्या कही, जाय के कही भूपाल ने विद्योत माँ को ब्याहूंगा, चारों सवालों का सही मैं जवाब देकर जाऊंगा। एक महात्मा आयो जभी, एक महात्मा आयो जभी उस विजय सिंह के पास जी, उसने कही जा भाग जा लड़की की तज के आस जी। ए जब कहने लगो भूपाल सीख दे मोहे, जब कहने लगो भूपाल सीख दे मोहे, ए पूछे तो पूछ सवाल बताऊं तो है, ए पूछे तो पूछ सवाल बताऊं तो है, ए सब देकारो है कौन बता दे राजा, 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 ए क्यों बैठो कह के मोहन जेलो में आजा, ए क्यों बैठो कह के मोहन जेल में आजा, ए क्यों बैठो कह के मोहन जेल में आजा, ए क्यों बैठो कह के मोहन जेल में आजा। आदरणीय सजनों, विद्योत माँ का ये पहला सवाल था सजनों, कि इस दुनिया में सबसे काला क्या है, ये पहला सवाल था। इसी प्रकार से विद्योत्मा के चार सवाल थे सजनों, अगर उन चारों सवालों का कोई उत्तर दे दे तो विद्योत्मा की शादी उस राजा के साथ में हो सकती थी सजनों। लेकिन वो जो विजय सिंह राजा था वो तो अपने अभिमान में था, उसे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया जाता है। सुनिएगा भला, सजनों कैसा सारांश लिखा है कवि ने, मैंने प्रेमियों, उस विजय सिंह के तो घमंड था अपने ऊपर, लेकिन उससे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, और उधर उसको जेल में कारावास में डाल दिया गया। जो गुणवंती थी, जो सुनार की लड़की थी मेरे प्रेमियों, जो भोपाल नगर के अंदर रह रही थी, अभी उसकी हत्या नहीं हुई सजनों, जो गुणवंती थी वो सारी बातों की जांच पड़ताल कर लेती है कि तेरे पति देव को तो जेल में डाल दिया गया है, 2 महीने हो चुके हैं, चाकी पीस रहा है, चाकी चला रहा है। अब तो आदरणीय सज्जनों, वो गुणवंती सुनार की लड़की अपने आभूषण वस्त्रों को उतार करके और
राजकुमार का रूप धारण करके मेरे प्रेमियों और घोड़े पर सवार होकर के वो नगराजा की राजधानी जहां पे दोतमा के चार सवाल पूछे जाते थे वहीं पहुंच जाती है। सुनिएगा भला क्या बताया है। जब गुणवंती अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रही थी क्योंकि वो तो लड़की थी नारी जाती थी और राजकुमार का रूप धारण करके नगराजा की राजधानी को जा रही है अपने पति देव को छुड़ाने के लिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो नगनारी रास्ते में मिलते हैं तो क्या बताया। अरे नर नारी मग में मिले ए देख गजब का रूप। नर नारी मग में मिले देख गजब का रूप। नर नारी मग में चले देख गजब का रूप। ओ आपस में चर्चा करे क्या नहीं उम्र को भूप मोहने रूप को मेरे प्यारे मोहने रूप को राधे राधे मोहने रूप को रे प्रणाम करें सिर नाय के सब देखें निगाह उठा के। आदरणीय सज्जनों गुणवंती के अंदर इतना तेज था इतना तप था कि नंबर वन तो नारी जाती थी वो राजकुमार का रूप धारण करके अपने पति देव को छुड़ाने के लिए जा रही है नगराजा की राजधानी को तो नरनारी जो रास्ते में मिल रहे थे उसके रूप को देख करके सब चकित रह जाते तो क्या बताया। क्या बताया भैया। ए नगराजा की राजधानी में गजविन जा ठंकारी। अरे रे रे गजविन